पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। ईशु तू मान है, ईशु तू सच्चा है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुण के लिए अपना कुर्बान सारे गुणगारों के लिए अपना कुर्बान सुने। काई कोड़ों की मार भी सली पर अपनी जान, काई कोड़ों की मार भी सली पर अपनी जान। ईश तो मान है, ईश तो अच्छा है, धन्य सज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है,
महान प्रभु को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रभु को स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तू है भला, तू है सच्चा, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी को तूने बनाया अपने ही वचन से। हालेलुया, धन्यवाद, तेरा महान अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, तू है भला, सदा की। 780 तू है भला, तू है सच्चा, तेरी करुणा सदा की है। सब मिलके बनी रहती है प्रेम तेरी सच्चाई, बनी रहती है प्रेम तेरी सच्चाई। सब मिलकर आराधना करेंगे। तू है चरवा, बेड़े हैं हम,
मैं करता है, काम मेरे लिए करता है। पर दावा करो, लांग जाता हो बड़ी शर्पना, तेरे मदद से सेना पर दावा करो, लांग जाता हो बड़ी शर्पना, अंधियारे को भी तू उजियाला करता है, मेरे अंधियारे करता है। मांगने से ज्यादा स्वर्ग पिता ने भरपूरी दिया, सोचने से बढ़कर मांगने से ज्यादा स्वर्ग पिता ने भरपूरी दिया, मुझ में करता है, पिता को धन्यवाद करेंगे। उसने बड़े बड़े काम किया है, मेरे लिए करता है, मुझ में करता है, मेरे अंदर विश्वास देता है, मेरे अंदर वचन भेजता है, मेरे अंदर आत्मा भेजता है,
मेरे अंदर काम करता, मेरे अंदर विश्वास लाता, उस विश्वास के द्वारा काम करता है। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, सब लोग आराधना करेंगे। धन्यवाद करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर हमारा रक्षक है, तेरे आने जाने में रक्षा करेगा। भजन संगीता 121 121 में हम पढ़ते हैं,
तेरे ऊपर आने वाले कोई भी हथियार सफल नहीं होगी, तेरे विरोध में आने वाले कोई भी बात आपके ऊपर सफल नहीं हो पाएगा। आंखों के पुतली सा संभालता मुझे गाना गाते हैं, आंखों को तारा सा रखा है, सामर्थ्य हाथों से तामा है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे सारे वचनों के लिए जो परमेश्वर हमें अनुग्रह से देता है। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे बच्चे लोगों के लिए, संडे क्लास के लिए, सुनने वाले वचन के लिए, शाम को मीटिंग्स के लिए, हालेलुया, कलीसिया की जागृति के लिए। जो जो लोग नहीं आ रहे हैं, काफ़ी दिन से नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भी प्रभु कार्य करें। जो जो बेपरवाही है, टंडापन है, कलीसिया के बारे में कोई चिंता नहीं है, कलीसिया के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे ठंडा पड़ जाते हैं, पीछे भी हट जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया परमेश्वर का मेन चीज़ है, यीशु मसीह सिर है तो कलीसिया शरीर है, जुड़े रहना है, बार बार मिलना है, बार बार प्रार्थना करना है, बार बार आराधना करना है, बार बार वचन सुनना है। ऐसे कलीसिया हमारा कलीसिया बन जाए, हम प्रार्थना करेंगे। जो भी हालेलुया इधर उधर चले गए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर लोगों को तितर बितर करने वाले नहीं, शैतान जो है लोगों को तितर बितर करता है, परमेश्वर लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक पंखों तले, अपने पंखों तले सबको सुरक्षा देना चाहते हैं। कलीसिया में सुरक्षा है, कलीसिया में आते रहेंगे सुरक्षा रहेगा, प्रभु का प्रेम रहेगा, प्रभु का वचन मिलेगा, प्रभु का ज्ञान मिलेगा। इसलिए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको अपने पंखों तले ले ले, सही सलामत चलने के लिए प्रभु मदद करें। हालेलुया, ये सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वचन के लिए, सुनने वाले वचन, संडे क्लास, शाम का मीटिंग्स, पूरा हफ्ता का मीटिंग, पूरा महीना का मीटिंग, हर ज़रूरत को प्रभु पूरा करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों की पत्री 12:3-4, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस और मारे मारे हालेलुया, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो, कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दे। आज हमारा मनन का टॉपिक है निराश होना नहीं है, साहस छोड़ना नहीं है, निराश होना नहीं, साहस न छोड़ना। भले निराश हो भी जाए, है ना, निराश होते हुए साहस नहीं छोड़ना चाहिए, निराश से उठ जाना चाहिए। निराश क्यों होता है? विरोध की भावना आने से कोई भी आदमी निराश हो जाता है। आदमी लोग एक विश्वास के साथ दौड़ते रहते हैं, विश्वास की दौड़ है, इस दौड़ में लगातार जिंदगी के आखिरी तक दौड़ते रहना है। लेकिन दौड़ते हुए क्या क्या आ सकता है? आपके विरोध की भावना आ सकता है, विरोधी लोग आपको रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जैसा हम भजन में पढ़े थे, झूठों से घेरने वाले लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, आपके जीवन में भटकाने वाले लोग, विरोध की भावना है। विरोध की भावना को देखते हुए इंसान निराश होकर साहस छोड़ देते हैं। तो आपके लिए अच्छा संदेश है, आप निराश हो गया तो भी आप उठ जाना चाहिए, साहस न छोड़ना चाहिए, आपके दौड़ को रोकना नहीं है, दौड़ से पीछे मुड़ना नहीं है, रोक जाना नहीं, जाते रहना है, जाते रहना है, रोकना नहीं। क्या नहीं करना है? रोकना नहीं। रोकने वाले वस्तुओं को यही पहला वचन में बोल रहे हो, पढ़ना पहला वचन, 12 का पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, गवाहों का ऐसे बड़े बादल हमें घेरे हुए हैं, तो
तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। वेरी गुड। आप रुकना एक मिनट, आप लोग कोई पढ़िए वचन, बोला है तो पढ़ना, वहाँ पर बाइबल लोग में कोई एक, सब लोग पढ़ना चाहिए, केवल इधर नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग के लिए पढ़ते हैं। पढ़ो, कितने लोग वचन निकाले, पढ़िए 12 का पहला वचन पढ़ो जोर से। क्या करना है, धीरज से दौड़ते रहना है। रोकने वाला वस्तु आएगा, उलझाने वाला पाप आएगा, लेकिन आपके लिए उत्साहित करने वाला चीज भी है। यह लिख रहे हैं बादलों की जैसे इतनी गवाहियों का घेरा हुआ है। देखो, जब शैतान घेरने आते हैं, परमेश्वर भी आपको घेर रखते हैं। गवाहों का इतना बड़ा बादल घेरे हुए हैं, मतलब क्या है, इस दौड़ में हमारा सामान, इस दौड़ में इसी मार्ग पर जाते हुए अंत तक पहुंच गए हैं। उद्धार मतलब कंप्लीट उनका हो गया है, उस पार चले गए हैं। वो लोगों का उदाहरण, वो लोगों का जो गवाही है उसको देखो। वो लोग कर सकता, उनके लिए परमेश्वर कर सकते, आपके लिए भी कर सकते हैं। विरोध की भावना उनके लिए भी आया, उनके लिए भी पापों की प्रलोभन आया, उनके लिए भी विरोध की भावना आया, लेकिन फिर भी वो लोग जीत लिए हैं। मसीही जीवन में बड़ा रुकावट है, निराश होकर साहस छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं तो टाटा बाय बाय बोल के पीछे चले जाते हैं। इसलिए मैं भजन में पढ़ा था ये कि मकसद से प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रभु का वचन के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है प्रभु, अनंत जीवन के लिए जुड़े रहते हैं, अनंत जीवन देने वाला वचन के लिए जुड़े रहते हैं। ऐसे जुड़े रहने वाले लोग आखिरी तक पहुंचते हैं, वैसे लोग बादल के जैसे गिरे हुए, उनकी गवाही हमको हिम्मत दे रहा है। कितने भी बाइबल में पढ़ते हैं, एक आदमी बोलो जो साइडन से पहुंच गया उस जगह पर, किसी आदमी का नाम बोलो तो कितने लोग पढ़ रहे हो बाइबल में, एक नाम बोलो कितने लोग पहुंच गए उधर में, उस तरफ में। बोलो दाऊद, सुलेमान भी पहुंच गया, सुलेमान पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, नहीं नोवा पहुंच गए पक्का, ईसा पहुंच गया, और पीछे बोले पौलुस, पक्का पौलुस तो पक्का है। बोलते हैं ना, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अपना दौड़ है पूरी कर ली, मेरे लिए धार्मिकता के मुकुट। बोलो पीछे भी बोलो, कोई हमको थोड़ा पुश कराओ, कुछ अच्छा जवाब। हाँ, सिमोन पत्रस, और अनोक पहुंच गया, और अनोक तो ऐसे ही चला गया ना, इसी शरीर में पहुंच गया वो, और लिदिया, ठीक है, एलिया भी पहुंच गया, एलिशा भी पहुंच गया। तो ये लोग सब पहुंच गए, ये लोग का जीवन में बहुत आराम की जिंदगी था। बोलो पौलुस को बहुत आराम था,
कोई विरोध ही नहीं था, ऐसा था ना, उनको कोई विरोध नहीं था और उनके लिए पापी नहीं था, वो लगे एकदम शांति लोग थे, पाप नहीं थे उनका, ऐसा था, उनका कोई परीक्षा नहीं था, था ना, उनका भी परीक्षा था, उनका भी तंगी मुसीबत परेशानी, कभी बोलते थे पौलुस हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं, हम लोग तुच्छ गिने जाते हैं, कोड़े मारवाते हमको, भूखा रहना पड़ता हमको, कभी ऐसा रहना पड़ा, दो दिन ऐसे पड़ा रह गया सागर में बुलता है, अपनी यात्रा में हर जगह पर विरोध की भावना है। यीशु मसीह को भी विरोध की भावना है, यीशु मसीह को भी, इसलिए बोलते, इसलिए जो वचन शुरू किया ना, दो तीसरा वचन इसलिए, मतलब किस लिए, दूसरा वचन पढ़िए पता चलेगा, पढ़ना दूसरा वचन, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा को कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, लज्जा को कोई चिंता न करके क्रूस की, क्या बोला, क्रूस की दुख सह लिया, सहना है यीशु मसीह ने, क्यों सह लिया, सामने रखा हुआ आनंद को देखते हुए। आप भी कैसे सहना चाहिए, आपके लिए भी अनंत जीवन को ध्यान में रखते हुए सह लेना चाहिए, इतनी निंदा को दुखों को उसने सह लिया, और क्या पढ़ रहे आगे, और सह लिया, परमेश्वर की दाएं ओर बैठ गया, वो लिखा है कि नहीं, पढ़ो, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, जा बैठा, सक्सेस हो गया, मिशन सक्सेस, भले परेशानी हुआ, विरोध की भावना आई, निंदा हुई, दुख हुई, लोगों ने निंदा किया, लज्जा को कोई चिंता नहीं करना, यीशु मसीह के लिए लज्जित होने के लिए चिंता मत करो, यीशु के नाम के लिए अभी लज्जित होते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, लोग आपको गुनहगार कहते हैं, आपको निंदा करते हैं, आपको तुच्छ गिनते हैं, छोटा समझते हैं, आपको कूड़ा के समान समझते हैं, लेकिन उस लज्जा को कोई चिंता नहीं करना, आप हिम्मत न हारना, साहस न छोड़ना, निराश होकर बैठना नहीं इस मार्ग पर। उस दिन मैंने बताया फास्टिंग प्रेयर का दिन में, इस मार्ग पर कौन जाके पहुंचेगा माले में, जो जाते रहेगा, कौन पहुंचेगा, जाते रहेगा, किसको देखते हुए जाना चाहिए, यीशु मसीह को देखते हुए, यही बोलते, वही वही अपना निशानी की ओर बढ़ना है, ये जवान क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़ो जवान, पीछे कभी नहीं हटना है। आपके आत्मिक जीवन में दौड़ तो दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, ऐसे बार बार आप आत्मिक भोजन प्रभु देते हैं, कैसे पहुंच गए हैं लोग, यीशु भी हमारे शरीर में, ऐसे शरीर में आकर दुख उठाकर, वो भी परीक्षाओं को पार कर कर वहाँ पर पहुंच गए हैं, जितने भी लोगों के नाम आपने लिए हैं, वो लोग भी विरोध की भावना को सामना किए, पापों की प्रलोभन भूल जाने वाला पाप, मतलब बहुत नज़दीक है, पाप करना तो ज़्यादा कठिन कोई कर सक, कोई भी कर सकते हैं, इन दिनों में तो मोबाइल के माध्यम से कोई भी आदमी पाप में गिराने के लिए शैतान जाल बिछाता है, दुनिया में पाप बहुत मोह माया लोगों को भरमाता है। मैंने पिछले उस बुधवार मीटिंग में बोला, पाप की छल पाप भरमाता है, पाप मोक्ष वायदा करते नरक में पहुंचता है, माले में पाप क्या वायदा करेगा, मोक्ष मिलेगा, इतना मिलेगा, वही वायदा करेगा पाप, लेकिन पहुंचेगा, पहुंचाएगा नरक में,
पाप बोलेगा, अरे कुछ नहीं होने वाला, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं है, झूठ बोलेगा, कुछ नहीं होने वाला बोलेगा, लेकिन नरक में पहुंच जाएगा। तो उलझाने वाले पाप से दूर होकर उस दौड़ को दौड़ना है, उसके लिए आज परमेश्वर आपसे बातें कर, मेरे से भी बातें कर रहे हैं। ऐसे वचन को बार बार हम बताते रहते हैं, इस दौड़ को पूरी करना, मुझे भी पूरी करना, मेरे परिवार वालों को पूरी करना, मेरे कलीसिया वाला हर एक के लिए रोज मेरा प्रार्थना ये रहता है, प्रभु जी एक भी व्यक्ति छूट न जाए। अगर आपके आगमन आज रात को होगी, नहीं तो हमारा जीवन जाने के लिए समय आ गए, उस समय में हम लोग कोई भी वंचित न रह जाए, इस मार्ग से भटक न जाए, विरोध की भावना भी होगा, हालेलुया, हम सह लेना चाहिए। लच्छा को कोई चिंता मत करो, अरे डोंट केयर, कुछ भी तुम बोलो मुझे क्या, लोग आपको बोलेंगे ना कुछ, आपके मन में अरे तुम कुछ बोलो, तुम तो कुछ नहीं है, मैं तो स्वर्ग पिता का प्यारा बेटा हूं, दुनिया वाले अभी पता नहीं चलेगा, जब प्रभु के आगमन आएगा आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो आप अपना को समझ लेना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो, स्वर्गीय निवासी, सियोन निवासी, स्वर्ग के मार्ग में जा रहे हो, इसलिए इस मार्ग से भटकने वाले बातों को दूर करते हुए हिम्मत से जाना चाहिए, निराश होकर के बैठना नहीं है। किसी मनुष्य को देखोगे निराश हो जाओगे, ये आदमी उसको, उसके लिए मैं आया था चर्च में पास्टर जी, वो आदमी क्या किया ना, वो आदमी भी अभी भटक गया, इसलिए मैं भी भटक गया, ऐसा है। देखो किसी के द्वारा ही हम आते हैं, जरूर हम भी ऐसे आते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा आप आए होंगे, उसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रभु को जान लिए होंगे, प्रभु के जानने के बाद प्रभु से जुड़े रहे। योहन्ना को मालूम है, योहन्ना का भी कुछ चेले लोग थे, कुछ चेले लोग, एक दिन योहन्ना जा रहे थे, उनके चेले लोग भी जा रहे थे, योहन्ना ने क्या किया मालूम है, योहन्ना कितने योहन्ना मालूम है बाइबल में, तीन चार है वैसे ही, मेन तो दो है, एक चेला है, एक बपतिस्मा देने वाला। प्रकाशित वाक्य किसने लिखा था, बपतिस्मा देने वाला, ये सब पता होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए बपतिस्मा देने वाला प्रकाशित वाक्य लिखा। कुछ लोग सोचते वो तो प्रॉफिट था ना, इसलिए भविष्य तब था, इसलिए अरे वो तो यीशु मसीह के पहले ही वो मारा। तो योहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास चेले लोग थे, उन चेले लोगों को उसने क्या कहा, मेरे पीछे नहीं यीशु के पीछे, वो लोग तुरंत पलटी मारा है कि नहीं। वैसे लोगों को प्रभु के पास जोड़ना चाहिए, अपने पास जरूर जोड़ते हैं, कलीसिया के अंदर तो आप आए हो, लेकिन आपका जोड़ परमेश्वर से मजबूत होने से हमेशा रहेगा। किसी एक इंसान के चक्कर में, उसका प्रेम में आप जुड़े रहेंगे, वो आदमी बदल जाएगा, अगर वो आदमी गिर जाएगा, अगर वो आदमी पीछे हट जाएगा, उसकी खातिर आप भी हट जाते हो। परमेश्वर की खातिर, परमेश्वर का वचन की खातिर, अनंत जीवन की खातिर अब यीशु मसीह के पास आए हो, उससे जुड़े रहो। हिम्मत हारते हैं, कोई लोग हिम्मत हारते हैं, विरोध की भावना को सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मजबूत वचन नहीं है, मालूम नहीं है, सच्चाई मालूम नहीं है, विश्वास में मजबूत नहीं है, विरोध की भावना। अभी देखो हमारे इधर विरोध हुआ था थोड़ा बहुत, है कि नहीं, उसके बाद भी थोड़ा लोग चला गए, वो लोग भी आने के लिए प्रार्थना करना, क्यों चला गया, वो लोग इस विश्वास में मजबूत नहीं है, तभी तो डर जाती है, अरे लोगों को निंदा को मैं क्यों सहन करूं, मुझे मुश्किल हो रहा है, मैं आऊँगा तो कोई देख लेंगे मुझे, ये बोलेंगे, बोलने दो ना, बोलने से आपका क्या जा रहा है ना, मेरे बारे में कोई भी बोलेगा इसमें मुझे कुछ होने वाला है, बोलो हिम्मत रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा सबके अंदर एक विश्वास को परमेश्वर आज दिलाना चाहते हैं। यीशु मसीह को भी बोला था, यीशु मसीह को
पढ़ रहे हैं पापियों की इतनी विरोध को नॉर्मल नहीं है। इतना किया तू का कांटों का मुकुट रखा मारा है, इतने किया है उसने सह लिया क्योंकि अच्छा फल मिलने वाला है, स्वर्ग राज्य मिलने वाला, अनंत जीवन मिलने वाला है, पद मिलने वाले। एक एक व्यक्ति इस ढंग से समझ लो मेरे आत्मिक जीवन का मुझे समझ में आना चाहिए। केवल इस दुनिया में थोड़ा देर ये मिल रहा है वो मिल रहा है इसके लिए नहीं आया, जरूर वो भी मिल रहा है वो भी जरूर मिलेगा है। लेकिन अनंत जीवन को धर ले, पौलुस लिख रहे हैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को धर। उसके लिए बुलाए गए जितने भी लोग इधर आते हैं मीटिंग में, अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। यीशु मसीह के साथ जीवन बिताओ, उसको ध्यान रखो, उसको ध्यान रखो, दूसरे कब तरफ ध्यान रखोगे शायद भटक जाओगे। कुछ लोगों का जीवन किसी से जुड़ा रहता है, उसका हम बोलते सोल टाई, सोल टाई मतलब आत्मा की बंधन है। हाँ, हमारे इसमें कंपनी में हम रहते थे, कुछ लेडीज लोगों को हम देखते साथ में ही आते थे वो लोग, उसके वो आया नहीं ना इसलिए मैं आज नहीं कह रहा हूँ। भाई वो नहीं आया तो क्या आपका पेट के लिए आ गए आना चाहिए, उसके लिए खाते हैं, उसके बगैर खाने भी नहीं खाएंगे क्या, बाथरूम भी नहीं जाएंगे क्या, उसके पीछे ही पड़ते रहेंगे क्या, ऐसा तो जिंदगी नहीं चलता। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के साथ जुड़े रहना, अपना आखिरी तक इस दौड़ को कंप्लीट करना, ये निश्चय निशान लगाना। निशान दौड़ने वाला क्या करते हैं, उसका लाइन देखते मुझे पहुंचना चाहिए, तो रोकने वाले वस्तुओं को दूर करो, उलझाने वाले पापों को दूर करो और सहनो, सहना। आज सहने की बात कर रहे हैं क्या सहना, विरोध की भावना को सामना करो, सहलो, प्रतिफल मिलने वाले, परमेश्वर के राज्य जल्दी आने वाला है, इसके खातिर आप सह लेना। थोड़ा दिन का तकलीफ है, ऐसा नहीं हर दिन प्रॉब्लम होते रहेगा, प्रॉब्लम होता है मुझे भी आपको भी होता है, तो हम लोग भी आपके लिए गवाही है ना। हम लोग आपसे पहले ही स्टार्ट किए, हमारा 45-47 साल हो गए इसी मार्ग में चलते चलते, हमको भी समस्या आई, हमको भी प्रलोभन आया, हमको भी विरोध की भावना आई, बहुत सारे आए, अभी भी हमारा आ रहा देख रहे हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह है, प्रभु आपको मदद करता है, आपको भी मदद करेगा। तो सबसे पहले है आपको समझना चाहिए, आगे बढ़ना, 12:4 तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, तुम्हारा लहू बहा हो। तो कहते हैं आपके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है। यीशु मसीह के साथ हुआ था, चेले लोगों के साथ हुआ था, वो लोगों को यीशु मसीह तो पापों के विरोध लड़ते हुए उसने अपना लहू बहाया, यीशु मसीह लहू बहा करके पापों के ऊपर जय पाया। कैसे जय पाया, लहू बहाया पापों के ऊपर जय पाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पापों के ऊपर जय पाने के लिए आपको भी लहू बहाना है कि नहीं? और ये क्वेश्चन ध्यान से सुना, मैं बता रहा हूँ यीशु मसीह पापों के विरोध में जय पाने के लिए उसने लहू बहाया, समझ में आ गए? तो आपको भी पापों के ऊपर जय पाने के लिए लहू बहाना है क्या? तो आप लोग समझ लिए, तो यही मतलब से लिख रहे हैं, विरोध तो कर रहे हो, जितना भी कोशिश करो विरोध करो, पापों को दूर करो, पापों को विरोध करो, हिम्मत मत हारो, लेकिन समझ लेना आपका विजय यीशु मसीह ने करके रखा है। पापों के विरोध में उसने लड़कर अपना लहू बहाकर उसके लहू से पापों को जीत लिया है। मैं लहू बहाकर भी पापों को जीत नहीं पाएगा,
मैं आंसू बहाकर भी पापों को जीत नहीं पाएगा, हाथ पैर दौड़ने से भी पापों से पापों के ऊपर जीत नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का लहू बहाने से पापों के ऊपर जय मिल गया है, तो मुझे लहू बहा करके पापों के ऊपर जय पाने वाला मामला नहीं है। जरूर लहू बहाते कितने प्रभु के दास लोग लहू बहाए, पापों को जीतने के लिए लहू नहीं बहाए, विश्वास के लिए वो लोग गवाही देने के लिए वो लोग लहू बहाए। सिफोनस लहू बहाए, वन पत्रस को भी गला कट कर मारा गया, वो लोग लहू बहाए सही जरूर, लेकिन उसके द्वारा उद्धार नहीं मिलता है। अगर लहू बहाने से उद्धार मिल सकता है, आज कितने लोग दुनिया में कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लहू बहा कर भी उद्धार नहीं मिलता, यही कह रहे हैं भाई, तुमको तो पापों के विरोध में लड़ने के लिए लहू बहाना नहीं पड़ रहा है, विक्टरी देखो आप जीतने के लिए लड़ नहीं रहे हो, जीत को लेकर के लड़ रहे हो। स्टेटमेंट्स याद रखो, क्या बोला बच्चे, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, बोले हम लोग जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीत को लेकर के लड़ रहे हैं। एग्जाम्पल दो, दाऊद ने गोलियत को हराया, कौन किसको जीता, दाऊद ने। उस लड़ाई का कोई डील हुआ था मालूम है आपको, वो शत्रु लोग क्या बोले थे, बोलो न सुना, गोलियत क्या बता रहे थे, सुन ले, वो बोल रहे थे तुम्हारा में एक आदमी आएगा, हमारा में एक आदमी आएगा, ये डील है, बातचीत हो गए, वन टू वन कॉम्बैट है ना, इसमें हमारा आदमी हार जाएगा तो हम लोग सब हार गए, तुम्हारा आदमी हार जाएगा तो तुम लोग गुलाम बन जाएंगे। डील के हिसाब से कौन जीत लिया, दाऊद जीत लिया। इस डील के अनुसार केवल दाऊद नहीं है, पूरा इसराइली एक जीत में सबका जीत है, एक आदमी जीत लिया मतलब सब लोग, लेकिन पहला वो गया रिस्क लिया, छोटा लड़का था उसको तलवार चलाना नहीं आता है और ये कवच वच पहनना भी नहीं आता है, बिंदास चला गया लुंगी पहन के, ऐसी लुंगी पहन के क्रिकेट खेले कैसा रहेगा, वैसे ही लगो छोटा लड़का जैसे गोफन को लेकर के, सिंपल दिख नहीं रहे, बड़ा शूरवीर जैसे, लेकिन जीत लिया। उस जीत के आधार पर लोग क्या कर रहे हैं, बाद में लोग भाग करके उसको लागू करना, जीतने के लिए वो लोग नहीं दौड़े, बाकी जितने सैनिक लोग बाद में क्या किया मालूम है, वो लोग दौड़ रहे थे पाने के लिए, क्या पाना है, जीतने का जीत तो हो चुके हैं, जीत के लिए लड़ने रहे, जीत को लेकर के लड़ रहे हैं, लिख के रखो, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर विक्टरी, आई एम फाइटिंग विथ विक्टरी, जीत को लेकर के लड़ना। यीशु मेरे लिए लहू बहाया, उस लहू से मुझे छुटकारा, उस लहू में पापों के ऊपर जय, उस लहू से मेमने के लहू से प्रकाशित 12:11 कहीं से वो लोग जीत पा लिए, जिंदगी के बड़ी कठिन परिस्थिति में एक बड़े झुंड के बात कर रहे हैं, प्रकाशित 12:11 वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। देखो मैं पूछता हूँ, ये लोगों का लहू बहाना पड़ा, क्या हुआ उन लोगों का लहू,
मतलब मृत्यु भी सह ली, मतलब वो लोग मर गए हैं। संकट का दिन की बात कर रहे हैं, परेशानी का दिन की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह आने के बाद जो उपद्रव काल आएगा, 7 साल उपद्रव काल की बात हो रही है, जिसमें विश्वास के लिए लोग लहू बहाना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है विश्वास की खातिर। लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं वो लोग अपना लहू बहाकर जीत लिए क्या? बोलो, मेमने के लहू से, मतलब यीशु मसीह के लहू से, अपने गवाही के वचन से वो लोग जीत लिए। भले लहू बहाए, ये नहीं पढ़ रहे वो लोग लहू बहाकर जीत लिए, नहीं, मेमने के लहू से जीत करके लहू भी बहाया, प्राण को भी प्रिय न जाना। अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह आ जाएंगे, कलीसिया चला जाएगा, इस दुनिया में रहने वाला, अगर इस यीशु मसीह पर विश्वास करना है तो सबके सब कुर्बानी होना पड़ेगा। ऐसे दिन आने वाले, उस दिन में भी ये लोग विजय पाए हैं यीशु मसीह को लहू को लेकर। अपना लहू काम का नहीं आएगा, भले इंसान के लिए हर इंसान मरना पड़ता है। भजन संगीता 30 में भजनकार लिखते हैं, 9वीं वायद पढ़िए, वहाँ क्या लिख रहे हैं, 30:9 भजन 30:9 நல்லா ரெண்டு பக்கம் படிக்கணுமா? இங்க ஒரு ஆள் ஒரு பட்டு எழுதி படிச்சு படிச்சு कब मैं जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? प्रभु जी बोलते हैं मेरे लहू से लहू बहा कर भी उधर नहीं पाऊंगा आगे। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? कर सकती है। क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं, मतलब आंसर ये है, लहू बहा कर भी वो प्रभु को कुछ नहीं कर सकते हैं। लहू बहा कर दुनिया में कुछ कुछ धर्मों में होते हैं, अपना को लोग काटते हैं, अपना भगवान को खुश कराने के लिए लहू बहाएंगे, आंसू बहाएंगे, हाथ पैर को छेदेंगे, बांधेंगे, ऐसा रगड़वाएंगे, अपना को पिटवाएंगे। नहीं, इससे कोई लाभ नहीं। आप अपने आप को पिटवाने से भी, कोड़े मरवाने से भी, लहू बहाने से भी उससे कोई लाभ नहीं। उसको सारे स्कूल को छोड़ दिया, वो ले जाओ ना, थोड़ा सारे स्कूल को ले जाओ, ले जाओ ऊपर को। प्रियंका ले जाओ उसको। हाँ बेटा, आर्यन बेटा, उसको भेज दो ना, पिंकी नहीं जाएगी तभी। ठीक, हाँ हाँ ठीक। तो क्या बोल रहा है ना, सुनिए ना, सुनिए ना, हाँ वो लहू से लाभ नहीं, अपना लहू बहा के भी लाभ नहीं। यीशु के लहू पर विश्वास करो, वही पापों के ऊपर जय पाता है, उस लहू से आप भी जय पाओगे, है कि नहीं? तो आपके हाथ पैर मारने से भी फायदा नहीं, आपके आंसू बहने से भी फायदा नहीं। क्या क्या फायदा नहीं? हाँ, हाथ पैर मरने से भी फायदा नहीं, आंसू बहने से भी फायदा नहीं, लहू बहाने से भी फायदा। कुछ लोग तैयार हो जाएंगे हमारा देश में, इवन क्रिश्चियंस भी कुछ लोग होते हैं, गुड फ्राइडे के दिन में अपना आपको कोड़े मारते हैं, क्रूस पर लटका देते हैं, फायदा नहीं। बाइबल में ऐसे नहीं सिखाया गया। पॉलस बोलते हैं मैं यीशु के साथ क्रूसित हो गया, ऐसा नहीं कि वो शरीर में जाकर के ऐसे हो गए, आत्मिक अर्थ है उसको, उस क्रूस की बलिदान को अपने जीवन में लागू करने वाला बात है, उसको अप्लाई करने वाला बात है। उनका विजय को आप अपना जीवन में लागू करना,
मृत्यु दुनिया शैतान पर जय पाया है, हमको जय दिलाया है। इस ढंग से समझ लो, हम जीत को लेकर के लड़ना इजी है, इजी है। जीतने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ोगे आपको हिम्मत नहीं आएगा। अरे जीतूंगा कि नहीं पता नहीं ना, हाँ। पाप ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई नहीं जीता, अभी तक जीतेगा भी नहीं। लहू बहाकर भी जीत नहीं पाएंगे, आंसू बहाने से भी जीत नहीं पाएंगे, हाथ पैर मारने से भी जीत नहीं पाएंगे, फिर कौन जीतेगा? कुछ भी करो जीत नहीं पाएंगे। यीशु ने जीता, यीशु ने पापों के लिए लहू बहाया, उस लहू से पापों के ऊपर विरोध, पापों के विरोध उसने जय हासिल किया। उस जय को मुझे और आपको दिया, उसको लेते हुए विश्वास की कदम रखनी है। जरूर लहू बहाना भी पड़ेगा, लेकिन उद्धार के लिए मैं लहू नहीं बहाता हूँ, विश्वास को पकड़े कर रखता हूँ। उस विश्वास के लिए दाम चुकाना पड़ेगा, मैं जरूर चुकाने का तैयार हूँ, क्योंकि विश्वास की बड़ा प्रतिफल है, मुझे आशीष मिलने वाले, अनंत जीवन मिलने वाले। तो आंसू भाग कर भी मिलेगा नहीं। कुछ लोगों के बारे में बाइबल में देखो, आंसू बहाया। ये शव नाम की एक व्यक्ति है, उसके बारे में इब्रानियों इधर में लिख रहे हैं 12वां अध्याय में, हालेलुया, उसमें हम पढ़ते हैं 16 और 17 वचन, 15 से पढ़ सकते हो इब्रानियों 12:15-16-17 वचन को ध्यान देकर पढ़ना। जब वो ये पढ़ता है आप भी लेके पढ़ना, ऐसा नहीं, सब लोग ध्यान से पढ़ो, उसको समझ लो क्या पढ़ रहे हैं। देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, कोई भी अनुग्रह से वंचित न रह जाओ। आगे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। देखो, एक व्यक्ति गड़बड़ आ गए, सब लोग गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान से रखो, सबको ध्यान रखो, अपना भी दूसरों को भी ध्यान रखो। कड़वी जड़ आने मत दो, कष्ट न होने दो, ध्यान से देखो आगे। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पैलोटे होने का पद बेच डाला। एक बार की भोजन के लिए पायलटा होने का पद बेच डाला। समझाता हूँ, बच्चे जा रहे हैं, मम्मी पापा ने अच्छे गोल्ड चेन पहना के भेजे स्कूल में, गोल्ड चेन का कितना होगा दाम? जितना भी हो सकते हैं, 15-20 लाख भी हो सकते हैं, ज़्यादा होगा तो वेट के अनुसार है। तो वहाँ पर कोई आया, दूसरी लड़की, है ले लो बिस्किट, ले लो बिस्किट, खिलाया चेन को, ये बेवकूफ़ी है, कितना बेवकूफ़ी है ना, कितना मूर्ख है। और मूर्ख है मम्मी पापा भी, ऐसे छोटे बच्चों को जो इसको पता नहीं है, ऐसे ऐसे कम से कम नकली पहन के भेजो स्कूल में, कोई चुराएगा तभी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जिनके लिए लड़की लोग नहीं है वो लोग तो आराम से रह रहे, चिंता नहीं, जिनका लड़का है उनको तो प्रॉब्लम नहीं, लड़की लोगों के लिए पहनना पड़ेगा। तो पहनते हैं, स्कूल में ध्यान से रहो। ये शौक को ध्यान नहीं है, बोलते हैं मेरा सब प्रॉपर्टी लेने का, ठीक है ले लो। अरे मुझे भूख लग रहा है, खाना दो या खाना चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा, खाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाऊंगा, अभी खाना होगा, कल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं, अभी खाना दो या नहीं तो मर जाऊंगा। किसका गाना है? ऐसा का बेवकूफ है, बोलते खाना चाहिए, जाने दो या सेलिट सब ले लो, दस्तावेज सब दे देता हूँ, खाना दे दो।
तुच्छ गिनने वाला बात है। अनंत जीवन को तुच्छ गिनने वाले लोग है। इस दुनिया में थोड़ा मिल रहा है, अरे थोड़ा पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, दारू मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो संबंध मिल रहा है, थोड़ा मजा मिल रहा है। इस ढंग से जाने वाले लोग व्यभिचारी न हो या लेकर अधर्मी न हो, अधर्मी है, दैट इज अनरिचियसनेस। अनरिचियसनेस क्या है? मेन चीज को छोड़ करके गलत चीज को, गलत चीज को पाने के चक्कर में मेन चीज को छोड़ दे रहे, उदार को त्याग कर रहे, स्वर्ग का राज्य को त्याग कर रहे। जाने तो कोई बात नहीं, मुझे अभी अभी मिल रहा ना, अभी नौकरी मिल रहा ना, अभी पैसा मिल रहा ना, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ले लो, बाद में देखा जाएगा। अरे कौन देखा स्वर्ग वर्ग, मरने के बाद देखा जाएगा? देखा जाओगे? नहीं भाई, नहीं, मरने के बाद आंसू बहा के भी नहीं मिलेगा। पर इस दुनिया छोड़ के जाने के बाद चांस ही नहीं है, कितना भी आंसू बहने, यहाँ पर लिख रहे इस आदमी के बारे में, आंसू बहा बहा कर भी उसको मिला नहीं। आगे बढ़ो, अगला वचन। तुम जानते हो कि, जानते हो कि बाद में जब आशीष पानी चाहिए, पानी चाहिए, तो अयोग गिना गया, अयोग गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। देखो, मन फिराव के अवसर बाद में मिलेगा नहीं, यीशु मसीह आ जाएंगे, नहीं तो कलीसिया चला जाएगा। आपको मन फिराव करना तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, फिर भी मन फिराव तो कर सकते हैं, चांस है, लेकिन एक बार मरने के बाद मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा। आंसू बहा बहा कर भी प्रभु को पटा नहीं सकते, ऐसे बरमा नहीं सकते। आंसू बहा के भी, मैंने बोला लहू बहा कभी फायदा नहीं, आंसू बहा के भी समय पर करना। एक आदमी आंसू बहा कर आशीष पाया, कोई बोल सकते हैं कौन? आंटी ने बोले, ये ऐसा का ही रिलेटिव है वो, सही है याकूब दाना, याकूब है ना? नहीं, अभी देखो ये तो सही आंसर दे रहा था, आप लोग मान नहीं रहे। मैं थोड़ा परीक्षा कर रहा था आप लोगों को। याकूब ही था यार जो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और जयवंत हो गया। बाइबल में लिखा है एक आदमी परमेश्वर से लड़कर जीत लिया, वही याकूब है। होशिया में पढ़ोगे तो पता चलेगा, उसने आंसू बहा बहा कर प्रभु से लड़ा, जीत लिया। यहां पर आंसू बहा बहा कर हार गया। फरक क्या है? आंसू बहाने से भी मन बदला, ये आंसू बहा रहा है मन नहीं बदल रहा है। आंसू क्यों बहा रहा है माले में? अरे चला गया या मेरे भाई धोखा दे करके मेरे से ले लिया, या मुझे चाहिए, या पहले तो बोलते थे नहीं चाहिए, अभी बोलते मुझे चाहिए, कैसे भी भाई को मार के भी मिल ले लूंगा, क्या करूंगा? पापा जिस दिन मर जाएंगे ना, इसहाक मरेगा, उस दिन क्या करूंगा? ऐसा बोलते है इसने धोखा दे करके मेरे से ले लिया, अभी मैं क्या करूंगा? पापा मरने के बाद मौका ढूंढ करके याकूब को मार डालकर मेरे चीजों को वापस ले लूंगा। यही बोलते कड़वा की बीज है। उस समय तो बोला ठीक है ठीक है ले लो यार, वही तो दिया था। बाद में जाकर के बोलते मैं मार डाल दूंगा, कड़वी जड़ है। देखो कड़वी विचार, कड़वी जड़ है, वो विचार को पालन पोषण मत करो, उसको पानी मत चींचो, उसको सूख जाने दो, वो बीज को मार डालो। जड़ पकड़ेगा नहीं तो जड़ अंदर छुपा के रहेगा, धीरे से उठ कर के आएगा, कष्ट देगा आपको भी दूसरों को भी। किसी के प्रति कड़वावट आता है तुरंत उखाड़ दो, विचार के विचार आते हैं तुरंत उखाड़ दो, उखाड़ दो। अधर्मी मत बनो, अब धर्मी बनाया हुआ परमेश्वर की आशीष से, यीशु के लहू से,
आदर्मी बनने के लिए इंसान के लिए यही चीज है, तुच्छ गिनना, आत्मिक चीजों को तुच्छ गिनना, स्वर्ग राज्य को तुच्छ गिनना, दोनों जुड़वे। देखो दोनों एक समान है, एक समय में जन्म हुए, एक आदमी को प्रभु आशीष दिए, दूसरा आदमी को आशीष नहीं मिले, मन फिराव का अवसर नहीं मिला। लेकिन वो आदमी मन फिर गया, प्रभु ने उसका नाम भी बदल दिया, उसका नाम इसराइल कर दिया। मालूम है याकूब नाम था, याकूब मतलब चोर है, याकूब का मतलब याकूब नाले यत्न अर्थ, याकूब ने पैर उचरा दिया। काफी लोगों को मालूम नहीं, नाम रख देते हैं जैकब, जैकब का मीनिंग है चोर है। प्रभु ही नाम बदल दिए भाई, उसका नाम इसराइल रख दिया। लेकिन कोई इसराइल नाम नहीं रखते, जैकब ज्यादा रखते लोग। देखो बाइबल नाम भी रखने के लिए भी बाइबल का आदमी को देखो, कुछ लोग नाम रखते थे, एक लेडीज का नाम है बत्शीबा, वो लेडी का मालूम है कौन लेडी था, दाऊद का पाप में फंसाया, तो ऐसे ही नाम रख देते। अब इधर हम लोग जाते हैं, एक भाई का नाम है काइन, क्या नाम है, ऐसा नाम मत रखो, काइन अपने भाई आबिल को मार डाला। तो समझ लो नाम रखने में भी याद रखो, अभी नाम मत बदलो, अगर किसी का नाम है बदलने की कोशिश मत करो, वही नाम पे चलेगा। नाम बदलावट नहीं है, धर्म परिवर्तन भी नहीं है, क्या परिवर्तन, मन परिवर्तन है। तो मन परिवर्तन हुआ, प्रभु जी बदल गया है ना, लेकिन उसका नाम याकूब भी चलता था मालूम है, भले प्रभु ही उसका नाम बदल दिए फिर भी आप ऐसा में पढ़ोगे याकूबे इसरवेले, प्रभु के तरफ से देखो वो नाम भी उसको याद रखता है। आप पहले पापी था ये भी प्रभु जानते हैं, अभी आप धर्मी है ये भी प्रभु जानते हैं। परमेश्वर नहीं छोड़ा इसराइल को, आशु को देखा, बोला तुम्हारा नाम इसराइल रहेगा, तुम याकूब नहीं है, तुम इसराइल। इसराइल मतलब परमेश्वर का प्रिंस, प्रिंस प्रिंस है, राजकुमार है, अधिकार है, परमेश्वर अधिकार देते हैं। याद यशाव के बारे में श्राप किया था, तुम लड़ते लड़ते ही जी सके हुए जी सकोगे, लड़ते रहते, आज भी लोग लड़ रहे हैं, पता भी हम देख रहे हैं लड़ रहे हैं, उनको कुछ भी देने से भी वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, फिर भी लड़ने के लिए वो लोग रहे। मतलब ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ है, मैं सब बताऊंगा नहीं, लेकिन उनके अंदर यही लड़ाई वड़ाई। अब यशाव को श्राप दिया गया, तुम लड़ते रहोगे, आज तक लड़ते रहते हैं, कभी भी उन लोग को शांति का वातावरण में भी ला के रख देंगे तो भी, कुछ लोग होते हैं उनका शांति का वातावरण में रख देंगे तो भी, वहाँ पर वो लोग चैन से नहीं रह पाएंगे, वहाँ पर अशांत डाल के ही वो लोग रहेंगे। ऐसा ना हो। मेरा समय अभी पूरा हो गया है, मैं ये बताना चाहता हूँ क्या करना चाहिए हमको, आंसू बहाना तो चाहिए लेकिन मन फिराव के आंसू होना चाहिए। लहू जरूरत बहाना भी पड़े लेकिन सही ढंग से हो, कि विश्वास को प्रमाणित करने के लिए हो, बल्कि उद्धार पाने के लिए नहीं है। आप कभी भी उद्धार को कमा नहीं पाएंगे, हाथ पैर को मारोगे तो भी उद्धार नहीं मिले। यहाँ लिख रहे हैं तुम अपने ढीले हाथों को, हालेलुया 12-13 वचन पढ़ना, बोलते हैं तुम अपने हाथों को, 12-13 इब्रानियों 12:12-13, इसलिए निर्बल घुटनों को सीधा करो, निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, सीधे मार्ग बनाओ कि चंगा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए, भला चंगा हो जाए। पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, निर्बल ढीले हाथ, हाथ ढीला रहेगा तो कैसे रहेगा,
हाथ ढीले हो गया, बहुत हाथ पैर मारा, बहुत कोशिश किया, यश बहुत कोशिश कर रहा था माले में शिकार पाने के लिए, है ना, शिकारी था वो, पापा से आशीष ले लूंगा करके हाथ पैर बहुत मारता था। लेकर आया, मिला उसका फायदा? उसकी मेहनत से फायदा नहीं, मेहनत करनी पड़ती है सही तरीके से, सही विचार से। लोग मेहनत करके हाथ ढीला पड़ जाते हैं, पैर भी घुटने भी थक जाते हैं, इस ढंग से हड्डी घिस घिस करके पैसा कमाना चाहते हैं कुछ लोग। आशीष को आपके जीवन में पाने का तरीका को मालूम नहीं होगी, मॉर्निंग शिफ्ट भी करोगे, इवनिंग शिफ्ट भी करोगे, रात दिन मेहनत भी करोगे, नो, मेहनत करते मैं भी करता हूँ। अनुग्रह को पाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, अनुग्रह को पाया हुआ इसलिए मेहनत करते हैं। समझ में आ गए? बोलो, अनुग्रह को पाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, अनुग्रह को इस्तेमाल करते हुए उसको पाते हुए मेहनत करते हैं। अनुग्रह को पाया इसलिए वो अनुग्रह मुझे मदद करता है, अनुग्रह से उद्धार मिलता है। आशीष किसको मिला? दोनों में, वो शिकार करके आया उसको मिला, नहीं तो घर से मामी ने खाना बना के दिए, उसको मिल गया क्योंकि आशीष को चाहता था। चाहत रखो, स्वर्ग राज्य की चाहत रखो, अनंत जीवन की चाहत रखो, पवित्र जीवन की चाहत रखो, आत्मिक जीवन की चाहत रखो, प्रभु के वचन की चाहत रखो, आराधना का चाहत रखो, वही मिलेगा, मिलेगा। हाथ पैर तोड़ने से भी ढीला पड़ गया, घुटने का ये हो गया, फिर भी इंसान क्या कर रहा है? वही मार्ग में भटक रहा है, फिर भी जिस मार्ग में उसका हाथ पैर ढीला हो गया, जिस तरीके से काम नहीं हो रहा है, उसी तरीका में वापस रगड़ा रहे हैं। यहाँ लिखने वाला बोलते हैं, तुम बड़ी चंगाई होना चाहिए, नहीं तो फिर भटकना चाहिए। टूटा हुआ पाव को प्लास्टर बांधा हुआ है, डॉक्टर बोलते अभी इसमें ज़्यादा वेट नहीं उठाना पाए, थोड़ा ध्यान से रहने दो, नरम है, थोड़ा नाजुक है। अरे क्या करेंगे यार, उठा लेंगे 50 किलो, क्या होगी फिर? कभी कभी बार बार टूटने से बाद में जोड़ेगा भी नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान से रहो, टूटा हुआ है, नाजुक है, जुड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा केयरलेस मत रहो। आत्मिक जीवन में अगर आप कहीं टूट गए, कहीं गिर गए, कहीं हार गए, तो उठ जाओ। डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ एंड सिटिंग देयर, यही इसका मीनिंग है। अपना आप पश्चाताप करके बैठा रहने, और मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और मुझे कोई प्रेमी नहीं करेंगे, मुझे कोई ध्यान ही नहीं देते, मुझे कुछ नहीं, अभी लोगों का आसाना तो मुझे रोना पड़ेगा क्या? मैं रोता तो लोग हंसते हैं। सिखाने के लिए रो रहा हूँ, बल्कि मैंने ज्यादा रोता नहीं, रोने से भी फायदा नहीं, ऐसे ही रोते लोग। मालूम है शैतान का भी यही आइडिया है, शैतान बोलता रहे मुझे तो अन्याय से निकाल दिया है, पिता परमेश्वर यीशु जी को पर कर दिया, मुझे तो यह कर दिया, मैं तो इतना अच्छा करता था यार, अभी भी देखो सब मेरे पास आ जाएगा ना, देखना कितना बढ़िया होगा। आज भी उसका मन में यही बात है, इसलिए उसके चेले लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे हमको अन्याय हो रहा है या हमको ये हो रहा है। अन्याय किसको हो गया? हम लोग का अन्याय हो रहा है, अभी पता चलेगा प्रभु के आगमन में। तो इसलिए ये तीन चीज मैंने बताया आज, लघु बहाना के लिए कारण ये नहीं कि उधार पाने के लिए, लघु बहाना पड़े हम जानबूझ के जाके बोलेंगे नहीं मुझे काटो, ऐसा कभी नहीं। जरूरत पड़ेगा जिंदगी में, लोग हमको मारने आते हैं, मार डाल देते हैं, प्रभु के नाम के खातिर कुछ लोग मर गए हैं, सब लोग मर जाएंगे ऐसे नहीं है। कुछ लोग प्रभु के लिए लघु बहाए, लेकिन उद्धार पाने के लिए लघु नहीं बहाए, उद्धार पाए इसलिए लघु बहाए। प्रभु के लिए लोग हाथ पैर मारे, बहुत मेहनत किए,
लेकिन अनुग्रह पाने के लिए मेहनत नहीं किए, अनुग्रह को लेकर वो लोग मेहनत किए, आंसू बहाकर उतार नहीं पाए मले में, मन फिराव का आंसू बहाकर है ना उद्धार के और चला गए। मन फिराव करो, आज यही मैं बताना चाहता हूँ, आज हम प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करूँगा। हालेलुया, प्रभु मुझे माफ करो, अपने लहू से मुझे साफ करो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, पश्चाताप करूँगा। हालेलुया, ऐसा पश्चाताप नहीं, ऐसा जैसे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, ये माइनर का मैं गिटार करूँगा इसलिए। हालेलुया, पश्चाताप करो, आज एसाव जैसे नहीं, याकूब जैसे। हालेलुया, मन फिराव के आंसू याकूब ने आशीष को पाया, ये मैं पश्चाताप करूं, मैं माफ करो अपने लहू से साफ करो, पश्चाताप करो मैं माफ करो अपने लहू से साफ करो, हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने लहू से साफ करो, हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने लहू से साफ करो, पश्चाताप करो मैं माफ करो अपने लहू से साफ करो, पश्चाताप करो मैं माफ करो, टूटा मन लेकर जो पास आए पर कुछ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप उन्हें छोड़ भी दे तू दया करता उसके लिए, टूटा मन लेकर जो पास आए पर कुछ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप उन्हें छोड़ भी दे तू दया करता उसके लिए, टूटा मन रास्मी करो सपनों को मेरे साकार करो, टूटा मन रास्मी करो सपनों को मेरे साकार करो, पश्चाताप करो मैं माफ करो अपने आमीन। आपका मेहनत अनुग्रह से होना चाहिए, लघु भी बहाना पड़े लेकिन उसमें से पाप को नहीं जीते, यीशु लघु बहाकर पापों को जय पाया, उस जय को हमको दिया है, रोने से भी पाप नहीं मिटता है, यदि पश्चाताप करके विश्वास करेंगे यीशु के लहू से पाप मिट जाएगा, रोने के बदले में नाच खुशी का प्रभु देगा, रात को रोना पड़े सुबह हंसना होगा, आनंदित होगा। स्वर्ग पिता धन्यवाद देते हैं, आज मेरे भाई बच्चे लोग जो भी उद्धार पाए हैं प्रभु जी, उनके हाथ पैर ढीला है, उन्हें देखने के लिए नरम हो गए प्रभु, पाप टूटे हुए, हाथ टूटे हुए, मन टूटे हुए, लेकिन आप चंगाई करता है। हालेलुया, लंगड़े भटकना चाहे बड़ी चंगाई हो जाए, सही मार्ग पर उनको लाइए, पश्चाताप के मार्ग पर, विश्वास के मार्ग पर, अनुग्रह के मार्ग पर प्रभु जी आप लेकर आइए,
आपको देखते हो स्वर्ग के मार्ग पर प्रभु जी, कोई भी पटक ना जाए स्वर्ग के पवित्र मार्ग पर, प्रेमी मार्ग पर जाते रहे, कोई भी कड़वाहट को न रखे। मुझे भी मेरे भाई बहन बच्चों को भी आशीष कर, हमारे अंदर कभी भी गुस्सा का आत्मा, कड़वाहट की आत्मा न रहे, गलत विचार न रहे, विचार न रहे, गुस्सा न रहे, क्रोध स्वभाव न रहे, प्रेम भावना में बने रहे। हर एक का जीवन में आशीष कर, अनुग्रह कर, आपके हाथों में देता हूँ यीशु के नाम से। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और दृष्टि का अनुग्रह और प्रार्थना का संग्रह सबके साथ हमेशा बना रहे।